राजधानी दिल्ली में अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। यह फैसला उन स्कूलों पर लागू होगा जो सरकार से मिली डीडीए की जमीन पर बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। बिना सरकार की मंजूरी के अब निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल 19 जनवरी को दिए फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार से मिली जमीन पर बने स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते। अगर वो फीस में ऐसा इजाफा करते हैं जो गलत है तो दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय उसे रद्द कर सकता है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे निजी स्कूलों को आज तगड़ा झटका लगा। चीफ जस्टिस J.S. खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने उनकी याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि स्कूल या तो नियम माने या फिर जमीन छोड़ दे। आपको बता दें कि दिल्ली में लगभग 400 पब्लिक स्कूल है जो डीडीए से मिली जमीन पर बने हैं। तो इस फैसले को अभिभावकों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं निजी स्कूलों के लिए ये बड़ा झटका है। ऐसे में अब देखना होगा कि निजी स्कूल अगला कदम क्या उठाते हैं। देखते रहिए डीपी लाइव।